हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ओनली विन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों चेन्नई रेस की। 15 दिसंबर की रेस है। टोटल 7 रेस हैं दोस्तों। पहली रेस 1:45 पे, आखिरी रेस 4:45 में। और पहली रेस यहाँ पे 1200 मीटर क्लास 5 की है। पहली रेस में जो मैं पिक लेके चलूँगा दोस्तों, 7 नंबर सैक्र कौर, ये कोसी कुमार के नीचे। ट्रैक बढ़िया जा रहा है घोड़े का, और लास्ट टाइम क्लास 4 से मतलब क्लास 5 भागा था और गुड सेकंड हुआ है किकाटा के साथ में। 3.5 किलो का अलाउंस का ही बेनिफिट है। कोसी ने लास्ट टाइम खुद ही राइड किया है, तो उम्मीद करते हैं एक और बेटर रन देखने को मिले। घोड़ा यहाँ पे जीतने का चांस बन रहा है, क्लास 5 की रेस है वैसे भी। और मिस्टर मोजार्ट यहाँ पे यार अपसेट के लिए आप देख सकते हैं। बाकी मुझे 7 नंबर ज़्यादा समझ आ रहा है घोड़ा। सेकेंड रेस 1100 मीटर क्लास 4 की है। यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूँगा दोस्तों, 7 नंबर रैली वॉरियर यश नायडू। लास्ट टाइम स्मैश शॉट, यार स्मैश शॉट नो डाउट सुपीरियर घोड़ा है। और उससे पहले एस्पिरा के साथ में गुड थर्ड, आर्मरी के साथ में गुड सेकंड लगा हुआ है। तो आर्मरी के साथ में 1100 मीटर में गया था फारिद अंसारी, और यहाँ पे यश नायडू बैठ गया इस बारी। लास्ट रन के हिसाब से बिल्कुल यार घोड़ा डिजर्व करता है जीतने के लिए। बट दूसरा घोड़ा यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा सेम कनेक्शन में जैसे दिख रहा है, दीपेश नेडू जी ट्रेनर और आर्मरी। जैसा मैंने बताया 1100 में बीट किया, बट लास्ट टाइम ये भी स्मैश शॉट के साथ में भागा था, फ्रंट रनर था और लास्ट मोमेंट में जिसे कहते हैं 5वां हो गया। तो ये सरप्राइज में बिल्कुल देख सकते हैं आप इसे। थर्ड रेस 1100 मीटर क्लास 4 की है, और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 3 नंबर सिकिंग द स्टार, ये बैंगलोर से घोड़ा आया है यार, और मेड इन के रन है सारे के सारे। तो मेड इन के रन के जो घोड़े हैं काफी मैंने देखा है, मतलब और भी सेंटर में आपने देखा होगा, हैदराबाद या कलकत्ता जहाँ पे भी गए हैं घोड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये घोड़ा भी यार जब ये बीबी ब्लैंकर ऑन करे गए हैं उसके बाद में एक मतलब 3 रन 2 रन बम्ड हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। और यहाँ पे ट्रेवर यार सारे अच्छे घोड़ों पे बैठा है, और जो ऑनर हैं रैपर्स गैलपिंग, इन्होंने कुछ रन अभी सूरन नेडू के नीचे मतलब यहाँ पे घोड़े जीते थे उनके, बट यहाँ पे ट्रेवर को दिया गया है चार्ज। तो उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर रिजल्ट निकलेगा रेस के बाद में, क्योंकि उन्हीं के घोड़ों पे बैठा हुआ है यहाँ पर ट्रेवर ज़्यादातर। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों चौथी रेस में, 1400 मीटर क्लास 4 की है। यहाँ पे घोड़े बहुत हैं यार, 1 नंबर एम्प्रेस रॉयल है, चॉइस है, ठीक है, विंडसर वॉक है। विंडसर वॉक ने बीट किया हुआ है चॉइस को 3.5 लेंथों से। रूलिंग स्टार है, लास्ट रन बहुत बढ़िया था लॉर्ड मॉय के साथ में, ऑलमोस्ट जीत ही गया था, नो उसकी बीडिंग थी। और 5 नंबर ग्रेस है, सेनरस के साथ में गुड थर्ड हुआ था, हिंदू सिंह सेम जॉकी जा रहा है। पिक मैं 5 नंबर ही लेके चलूंगा यार ग्रेस। वैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 नंबर रूलिंग स्टार को बुक के हिसाब से डे बेस्ट दे रहे हैं, बट मुझे सिंगल 5 नंबर समझ आ रहा है कि भाई प्लेस या बोर्ड में रहे घोड़ा, और रन अच्छे हैं घोड़े के, पेडिग्री वाइज भी ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पिक 5 नंबर रहेगा ग्रेस, क्योंकि मैंने बताया 5 घोड़े ऊपर के 1 से 5 नंबर तक सभी दिख रहे हैं यार मुझे यहाँ पे। 5वीं रेस ये मेन इवेंट है यार, क्लास 1 की रेस है ये, बहुत मतलब मेरे हिसाब से टाइट रेस है। और 1 नंबर प्राइजलेस गोल्ड नो डाउट, रेटिंग वाइज 104 की है, और अच्छी फील्ड देखी हुई है, 1600 माइल का ही घोड़ा है। तो लास्ट टाइम गुड थर्ड हुआ है पॉलिश गर्ल के साथ में, और 6 घोड़ों में उससे मतलब घोड़ा कहीं ना कहीं पे यार ये वेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पे। और 2 नंबर है वंशी गो ब्लैक, ये घोड़ा कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिख रहा था बिल्कुल कि जीत जाएगा, और बट एस जे मॉलिन जैसा मैंने कल भी बताया था, जॉकी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है ये, और अगर कोई जानता हो तो जरूर यार कमेंट करना बेटर है क्या है। और बाकी ये घोड़ा बहुत बढ़िया है, यहाँ पे शायद नीरा रावल बैठा होता या उमेश बैठा होता तो मैं मतलब इस घोड़े को यार पिक के लिए पिक जरूर करता, बट जॉकी की वजह से मैं अभी पिक नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप इसको प्लेस में जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सैमरॉक के साथ में गुड सेकंड हुआ है लास्ट टाइम बीबी ऑन करने के बाद में, तो घोड़ा कंट्रोल में रहा है। 3 नंबर डिविलियर्स पिक में मेरा यही रहेगा, क्योंकि लास्ट रन 1400 मीटर का जो अभी था, बहुत जिसे कहते हैं सुपीरियर राइडिंग करी है ट्रैवर ने, और
उम्मीद करते हैं एक और बेटर रन देखने को मिले। उससे पहले छठी रेस 1200 मीटर क्लास टू की है, और यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा 9 नंबर गट्सी, बैक टू बैक दो विक्ट्री इम्प्रेसिव है यार। उम्मीद करता हूँ इंटरनी राज के नीचे दोबारा जीते। और दूसरा घोड़ा इसमें पिक लेके चलूँगा 6 नंबर मॉन्टेलेना। ये भी यार जैसा मैंने बताया रैपर्स गैलपिंग के साथ में कनेक्शन ट्रैवर का, तो ये घोड़ा भी कहीं ना कहीं पे यार हैट्रिक के उस पर है और क्लास प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ड्राइवर के नीचे जीते। और सातवीं रेस में 1200 मीटर की है क्लास 3 की, घोड़े बहुत हैं यार इस रेस में, और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6-7 घोड़े सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं। ड्राइवर भी है और बर्था है, तो घोड़े बहुत हैं यार इसमें, 1 नंबर है। तो इस रेस को मैं अपनी तरफ से स्किप लेके चलूंगा दोस्तों, और उम्मीद करते हैं चेन्नई का कार्ड आप सभी के लिए बेटर जाए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद मिलते हैं दोस्तों, कल ड्यूल सेंटर है कलकत्ता और बेंगलोर की रेसों में। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाई, बाय 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 बाय।